हल चलाते चले और जब हल चला करके वह पुनौरा धाम पर पहुँचे उसी समय में घड़ा मिला और घड़ा में शीत स्पर्श करते ही बादल कड़कने लगी, धूप बारिश का मौसम बन गया। वहाँ से राजा जनक जी वह घड़ा को लेकर के चले प्रस्थान किए। वह घड़ा आकर के यहाँ सीतामढ़ी में उर्विजा कुंड में, यहाँ एक ऋषि का आश्रम था, उस आश्रम में आंधी तूफान ज़्यादा आ गई थी इसीलिए वहाँ वह रुक गए और रुक करके घड़ा को जैसे ज़मीन में विश्राम करने के लिए रखे उस घड़ा में से एक कन्या जन्म ली। ये आप देख सकते हैं जिस तरह माता सीता का जन्म हुआ था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये मूर्ति बनाया गया है। और ये आप देखिए ये उर्विजा कुंड है, यहीं से माता सीता जो है घैले से प्राप्त हुई थी राजा जनक को। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत दृश्य। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरजेनियस ब्लॉग्स। मैं हूं नीरज और इस वक्त मैं हूं सीतामढ़ी के जानकी स्थान मंदिर में। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यताएँ चली आ रही हैं। माता सीता का जन्म यहीं पर हुआ था। मेरे पीछे आप ये कुंड देख सकते हैं, ये उर्विजा कुंड है। मान्यता चली आ रही है कि यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था और इसी कुंड से माता सीता जनक जी को प्राप्त हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए माता जानकी की। काफ़ी ज़्यादा भी संख्या में अब श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। अभी अभी जो निशान यात्रा है वो अभी जानकी मंदिर पहुँच गई है और सभी मंदिर में जा रहे हैं माँ जानकी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैं अभी सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में पहुँच गया। ये आप सामने से दृश्य देखिए, जानकी मंदिर बेहद खूबसूरत तरीके से जानकी मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि आज जानकी नवमी है माता सीता की जन्मभूमि पे। इस वक्त मैं हूँ, चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं जानकी मंदिर सीतामढ़ी में हूँ। माँ जानकी की जन्मस्थली मानी जाती है और इस वक्त मैं मंदिर प्रांगण में पहुँच गया हूँ। और आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण का दृश्य, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि आज जानकी नवमी है और माता सीता का जन्मदिन है। और ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं दर्शन के लिए, और आपको भी दर्शन करवाते हैं माता जानकी की। पहले आप ये मंदिर का प्रांगण देख लीजिए और ये चारों तरफ आपको यहाँ पर रामायण की पेंटिंग्स नज़र आ रही होगी जो कि मंदिर को और चार चांद लगा देती है, ये देख सकते हैं आप। चलिए आपको माता जानकी के दर्शन करवा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं, मुझे जगह नहीं मिल पा रही है। श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है, शालिग्राम की प्रतिमा है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, जिस वजह से मुझे चलिए और भी भगवान के यहाँ पे दर्शन करवा देते हैं। यहाँ देख लीजिए हनुमान जी की प्रतिमा है। आप देख सकते हैं माता दुर्गा की प्रतिमा है।
सही से दिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर अंधेरा है। ये आप देख सकते हैं गणपति जी की प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं गणपति जी की प्रतिमा यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए यहाँ से आप दृश्य देखिए जानकी स्थान का, जानकी मंदिर का बेहद रमणीय और बेहद खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पे तांता लगा हुआ है भक्तों का। अभी यहाँ जो वर्तमान में आप प्रतिमा का दर्शन किए हैं वहाँ, वह प्रतिमा ऐसी उर्विजा कुंड से बाबा हीरा रामदास जी महाराज को 1599 समत में प्राप्त हुआ था। तब से यह मंदिर है इसी जानकी जी के नाम पर ही, सीता के नाम पर ही सीतामढ़ी शहर बसा हुआ है। सीता मरई था पर पहले जब अकाल पड़ा हुआ था तो राजा जनक जी अकाल को तोड़ने के लिए हल चलाने का प्रारंभ किए थे। वह स्थान हलेश्वर स्थान है जहाँ से हल चलाना प्रारंभ किए थे और वहाँ हल चला करके वहाँ वहाँ जो हलेश्वर हृषि ऋषि थे वह बताए थे कि पुनौरा में पुंडरीकाक्ष ऋषि हैं और ये क्या कहते हैं श्रृंगी ऋषि हैं, यहाँ खड़का में खड़ग ऋषि हैं। तो वहाँ से हल चलाते चले और जब हल चला करके वह पुनौरा धाम पर पहुँचे उसी समय में घड़ा मिला और घड़ा में शीत स्पर्श करते ही बादल कड़कने लगी, धूप बारिश का मौसम बन गया। वहाँ से राजा जनक जी वह घड़ा को लेकर के चले प्रस्थान किए। वह घड़ा आकर के यहाँ सीतामढ़ी में उर्विजा कुंड में, यहाँ एक ऋषि का आश्रम था, उस आश्रम में आंधी तूफान ज़्यादा आ गई थी इसीलिए वहाँ वह रुक गए और रुक करके घड़ा को जैसे ज़मीन में विश्राम करने के लिए रखे तो उस घड़ा में से एक कन्या जन्म ली। वह कन्या को लेकर के राजा जनक जी यहाँ सीतामढ़ी से प्रस्थान किए और जनकपुर के लिए चले गए। माता का जन्म स्थान यहाँ, प्रगति स्थान पुनौरा धाम, जन्म स्थान यहाँ और जनकपुर में जो है सो उनका पालन पोषण किया गया। यही सीतामढ़ी है, यह सीतामयी है, सीता को मई, सीता को महने से जो प्राप्त हुआ इसलिए सीतामयी नाम है। ये बाबा मुकेश बाबा है, बनारस के प्रचंड विद्वान, मैं उनका चेला हूँ। ये आप देख सकते हैं बाबा जी ने जिस उर्विजा कुंड का जिक्र किया था वही वही उर्विजा कुंड है जहाँ से माता जानकी प्रकट हुई थी। आप देख सकते हैं ये नदी के बीच में इस मंदिर को बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं जिस तरह माता सीता का जन्म हुआ था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये मूर्ति बनाया गया है। ये बीच में आप देखिए महाहिला में माता सीता विराजमान है और वहाँ हमारे राजा जनक जी। ये आप देख सकते हैं ये नदी के बीच में ये मंदिर बनाया गया है। ये वही उर्विजा कुंड है जहाँ से माता सीता जो है धरती से अवतरित हुई थी, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये वही उर्विजा कुंड है, ये वही पोखर है जहाँ से माता सीता का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता चली आ रही है। और ये आप देखिए ये उर्विजा कुंड है
यहीं से माता सीता जो है घैले से प्राप्त हुई थी राजा जनक को। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत दृश्य। तो मैं आपको बता दूं कि आज जानकी नवमी है, इस अवसर पर सीतामढ़ी धाम में बहुत ही बड़ा निशान यात्रा निकली थी। आप देख सकते हैं ये निशान यात्रा अभी जानकी मंदिर पहुंच गई है और काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भी संख्या में अब श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अभी अभी जो निशान यात्रा है वो अभी जानकी मंदिर पहुंच गई है और सभी मंदिर में जा रहे हैं माँ जानकी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको पता होगा, माता जानकी की प्रकट स्थली जानकी मंदिर में जानकी नवमी के अवसर पर एक बहुत ही विशाल निशान यात्रा निकली थी और वो निशान यात्रा भी जस्ट जानकी मंदिर पहुँची है। ये आप देख सकते हैं, ये सभी झंडे लेकर घूम रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे एक तरह से। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर जानकी नवमी मनाई जाती है और आप देख सकते हैं अभी जानकी मंदिर में पहुँचे हैं सभी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जानकी नवमी का आयोजन होता है। देख सकते हैं आप, सभी झंडे को माँ जानकी को स्पर्श करवा रहे हैं ताकि उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। उनका जो देख सकते हैं,